हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमें क्लच का यूज़ लेना चाहिए। आप देखिए मेरा लेफ्ट फुट, क्लच का यूज़ हमें कैसे लेना चाहिए स्पीड ब्रेकर पे, स्पेशली जब हम स्पीड ब्रेकर में ड्राइव कर रहे होते हैं। बहुत बार होती है हमारी कार बंद हो जाती है या हम झटके में निकालते हैं कार को। हमें क्लच का प्रॉपर यूज़ लेना चाहिए स्पीड ब्रेकर में और हमारी कार को फर्स्ट गियर में ही यूज़ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कम्प्लीटली वीडियो स्पीड ब्रेकर के ऊपर होने वाली है। क्लच का यूज़ होगा, बहुत अच्छा क्लच का यूज़ करना पड़ता है इसमें, नहीं तो आपकी कार जो है या जैसे मैंने कहा बंद हो जाएगी, या तो फिर आप झटके में निकाल लेंगे, या तो फिर मतलब बम्प करेगी, आप अंदर बैठे होंगे तो आपको या जो भी आपके साथ में बैठे होंगे आपके फैमिली फ्रेंड्स उन्हें अनकम्फर्ट सा फील होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो पूरी देखें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्राइविंग से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी आपको। तो अभी मैं ऐसी लोकेशन में चला रहा हूँ जहाँ मेरे को स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, और स्पीड ब्रेकर में हमें क्लच का यूज़ लेना चाहिए जैसे कि अपनी कार को अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। हम सबसे पहले स्पीड ब्रेकर जब पहुंच रहे होते हैं, आपको दिखाता हूं, जब हम स्पीड ब्रेकर में पहुंचने वाले होंगे तब हमें फुट मूवमेंट कैसा करना चाहिए। आप मेरे फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अभी मेरी कार थर्ड गियर में 30 प्लस की स्पीड है और RPM 1500 के आसपास है। आगे देखिए स्पीड ब्रेकर आया, मैंने कार को स्टॉप करने के लिए हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया, ब्रेक अप्लाई करके ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिए कार को, फर्स्ट गियर लगाया। ये देखिए क्लच को जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील जो है, पहले कार स्लो थी, फ्रंट व्हील जैसे ही फर्स्ट गियर में क्रॉस हुआ है, फिर मैंने क्लच को रिलीज किया ताकि मेरी कार फ्रंट व्हील क्रॉस हो जाए। फिर जैसे ही फ्रंट व्हील क्रॉस हुआ, फिर मैंने क्या किया, क्लच को प्रेस किया ताकि मेरा रियर व्हील्स भी है जो आराम से क्रॉस हो जाए। आप ऐसी जो ड्राइविंग की टिप्स है, ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट टिप है फ्रेंड्स। आपको स्पीड ब्रेकर में कार आपकी बंद नहीं होगी अगर आप क्लच पे प्रॉपर कंट्रोल करेंगे तो। अभी आगे और भी स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, फिर से मैं दिखाता हूं आपको, सेम सिचुएशन है। अभी जैसे दो स्पीड ब्रेकर थे पीछे वाली, पीछे जो स्पीड ब्रेकर मैंने क्रॉस किया उसमें दो स्पीड ब्रेकर एक साथ थे, और एक साथ जब होते हैं तो हमें एक बार एक जब क्रॉस करना होता है तो क्लच को एक बार या दो बार प्रेस करना पड़ सकता है। अभी देखिए आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मैं फिर से थर्ड गियर में 30 के प्लस की स्पीड में हूँ, मैं एक्सीलेटर रिलीज़ कर रहा हूँ, अब ब्रेक अप्लाई की मैंने, कार स्लो डाउन हो गई, दो स्पीड ब्रेकर है, डाउन शिफ्ट किया फर्स्ट गियर, क्लच को प्रेस कर रखा, ये देखिए फिर से प्रेस किया, फिर रिलीज़ करके फिर से प्रेस कर दिया, मेरी कार जो है फ्रंट व्हील्स पहले क्रॉस हुआ, फिर बड़े आराम से जो है पीछे का व्हील्स भी क्रॉस हुआ है। मेरे को पीछे का व्हील्स क्रॉस करने के लिए दोबारा मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा। अगर मैं क्लच प्रेस नहीं करता दोबारा तो हो सकता था मेरी कार झटके में क्रॉस करती उस जगह को, या तो अगर मैं क्लच को रिलीज़ रख के रखता, प्रेस नहीं करता तो चांसेस था कि, और मैं एक्सीलेटर तो प्रेस नहीं करता तो मेरी कार बंद हो जाती। सपोज़ मैं एक्सीलेटर को प्रेस नहीं कर रहा हूँ और क्लच को रिलीज़ करके रखा हूँ तो चांसेस है जब झटके पड़ेंगे स्पीड ब्रेकर के तो मेरी कार के चांसेस है बंद हो जाए RPM, क्योंकि लो हो जाएगा। अभी देखिए फिर से मैं उस लोकेशन में पहुँचा हूँ, दो स्पीड ब्रेकर एक साथ, कार को कंट्रोल किया, डाउन शिफ्ट किया फर्स्ट गियर, ये देखिए अभी तक रिलीज़ नहीं किया था मैंने, क्लच रिलीज़ किया, फिर से जब जैसे ही मेरा फ्रंट व्हील क्रॉस हो गया, पीछे वाला व्हील्स क्रॉस होने के लिए आगे आया है, तब मैंने फिर से स्पीड ब्रेकर पे क्लच प्रेस कर दिया। जब पीछे वाला व्हील्स क्रॉस होने के लिए रेडी था तब मैंने फिर से स्पीड ब्रेकर पहुँच, जब क्रॉस करने वाला है पीछे वाला व्हील्स, मैंने क्लच फिर से प्रेस करके ज़रा सा रिलीज़ करके फिर से प्रेस किया। अभी आप देखिए फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप इसमें नोटिस करिएगा मेरा फुट मूवमेंट, ये देखिए मैंने क्रॉस ब्रेक अप्लाई की, फर्स्ट गियर अप्लाई किया, क्लच रिलीज़ करके वापस से प्रेस किया, ये देखिए मेरा फ्रंट व्हील गया, फिर से प्रेस किया, फिर से रिलीज़ किया मैंने। तो जैसे ही हमारा फ्रंट व्हील क्रॉस हो जाता है स्पीड ब्रेकर से, फ्रंट व्हील जैसे, ये देखिए छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, बड़े आराम से निकल गई, ये देखिए कार। तो जब हम दूर से देखेंगे थोड़ा सा स्टीप होगा स्पीड ब्रेकर तो हमें फर्स्ट गियर में लगाना होगा, और बहुत बार होता है कि आपको स्लोप सा स्पीड ब्रेकर मिलेगा, वो आप सेकेंड गियर में अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग भी निकल सकते हैं।
फ्रेंड्स, हम फिर से ऐसी लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पे हमें स्पीड ब्रेकर मिलेगा। और जैसे मैंने कहा आपको, डबल स्पीड ब्रेकर या सिंगल स्पीड ब्रेकर होता है, तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए कार को और हमारी कार किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी जब हम स्पीड ब्रेकर पे होते हैं। ये देखिए, अभी मैं यहाँ से लेफ्ट ले लेता हूँ, आगे चलेंगे और स्पीड ब्रेकर दिखेगा हमें। तो स्पीड ब्रेकर में फ्रेंड्स, जैसा आपको बता रहा हूँ मैं, कि क्लच से आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्लच का यूज़ ज़रूरी होता है जिससे कि आप कार को कंट्रोल कर सकेंगे, नहीं तो आपका स्पीड ब्रेकर पे कार को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, आप देखिए मैं सेकेंड गियर में हूँ, कार की स्पीड 30 के अप्रॉक्स है और RPM 1500 है। मैं एक्सीलेटर कम्प्लीटली रिलीज़ कर दिया हूँ ताकि मेरा RPM डाउन आए, और मैंने एक ब्रेक अप्लाई नहीं किया, अभी क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट किया, अब ब्रेक हल्की सी अप्लाई किया। ये देखिए मेरे स्पीड ब्रेकर पे कार कैसे, ये देखिए पीछे आ गई, क्योंकि मैंने एक्सीलेटर रिलीज़ ही नहीं किया, बीच में फंस गई है मेरी कार जो है, आगे का व्हील्स मैंने एक्सीलेटर प्रेस नहीं किया तो बीच में अटक गया है। अब मैं देखिए क्लच को रिलीज़ करूँगा और एक्सीलेटर प्रेस करूँगा, ये देखिए जब तक मेरी कार क्रॉस नहीं करेगी मैं एक्सीलेटर क्लच को कंट्रोल में रखूँगा, मिड जब हाफ क्लच जैसे कहते हैं, जिसे बाइटिंग पॉइंट पे क्लच को रखूँगा मैं, ताकि मेरी कार जो है बड़े आराम से उसको क्रॉस कर सके। और जब तक मेरी कार अप नहीं जाएगी तब तक मैं एक्सीलेटर को प्रेस करता रहूँगा ताकि मेरी कार जो है बड़े आराम से उसको क्रॉस कर सके। तो जब तक अप नहीं जाएगी, अगर मैं एक्सीलेटर छोड़ दूंगा तो उसमें क्या होगा, मेरी कार बंद होने के चांसेस है, बंद हो जाएगी इनफैक्ट। तो हमें कार को तो बंद करना नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है और एक्सीलेटर को प्रेस करते रहना जब तक हमारी कार में पावर नहीं मिलती जिससे हम क्रॉस कर सकें स्पीड ब्रेकर को। तो हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और भी स्पीड ब्रेकर अगर आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। स्पीड ब्रेकर के बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता था वो है हमारे क्लच को किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए प्रॉपर, और किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होना चाहिए। और आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, क्लच को जब हम स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहे होते हैं, प्रेस करते हैं, फिर से रिलीज़ करते हैं, इसी तरह से क्या होता है, स्पीड ब्रेकर में हमें यूज़ करना होता है अपने क्लच को। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।